उदयपुर जिले में गोगुंदा तहसील के घाटा गांव में पिछले दो वर्षों से वाटर वसुंधरा ग्राम विकास कार्यक्रम कंसर्न इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम को वर्ष 2019-20 में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने आर्थिक सहयोग दिया है। लेकिन लॉकडाउन के कारण मार्च अप्रैल में एक महीने से अधिक समय तक कार्यों को बंद करना पड़ा। इस अवधि में लोगों के पास कोई रोजगार नहीं था, लोग घरों में ही कैद बनकर रह गए। गांव और गांव से बाहर रोजगार के कोई भी अवसर नहीं दिखाई दे रहे थे। ऐसे में परिवार की आर्थिक हालत खराब होने लगी। ग्राम विकास समिति द्वारा गांव में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए फला स्तर पर कई बार जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया गया। अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में सरकार द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए भूमि एवं जल संरक्षण के कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके बाद ग्राम विकास समिति ने निर्णय लिया कि गांव में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए काम प्रारंभ किया जाए। समिति के निर्णय अनुसार गांव में भूमि एवं जल संरक्षण, नाला उपचार, मेड़बंदी और कुआ गहरीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया। इन सभी कार्यों में 100 से अधिक लोग कार्य करने लगे, जिससे गरीब परिवारों को गांव में ही रोजगार मिलना प्रारंभ हुआ। एक महीने से 40 लेबर काम कर रहे हैं। प्रतिदिन एक परिवार 400-500 रुपए मिल रहे। गांव में सब्जी उत्पादन करने वाले 10 से अधिक परिवार अपने आसपास के इलाकों में सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं। इन परिवारों के पशुओं को भी हरा चारा मिलता रहा। गोगुंदे बंद है, चले सालू है नहीं, ले रहे नहीं भाई, ये जो आड़ोसी पड़ोसी आवे ले रहा है, फायदा गया है। अबे धीरे धीरे 2000 रुपयो भी है। हेलो अबे फूलो आई रहे है, लाला रही रहे है, टमाटर न हा जानी साहब। समिति द्वारा कार्यस्थल पर मास्क पहनना, साबुन के साथ हाथ धोना, शारीरिक दूरी बनाए रखने जैसे नियमों का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है और समिति पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कार्यों का संचालन और देखरेख करने का काम कर रही है। मैं वाटर की ओर से कंसर्न इंडिया फाउंडेशन एवं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनके सहयोग से चलाए जा रहे कार्यक्रम में लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ है, जिससे उनका हौसला बढ़ा है और उनकी आजीविका संभलने को बल मिला है।